हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आईएफबी 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर 2024 का नया मॉडल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आईएफबी एयर कंडीशनर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आईएफबी एयर कंडीशनर आपके लिए कैसा है, आईएफबी एयर कंडीशनर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, दोस्तों को वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएफबी 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर 2024 का नया मॉडल आपको ऑनलाइन 39,990 में अवेलेबल है। दोस्तों, आईएफबी के इस 5 स्टार एयर कंडीशनर की जो आईएसआर रेटिंग है वो है 5.15 की। दोस्तों, आईएफबी का ये 1.5 टन 5 स्टार का एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 706.85 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में। और दोस्तों, आईएफबी के इस 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी है 4700 यानी 4700 वाट। तो ये इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। तो आईएफबी के इस एयर कंडीशनर में आपको कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, जबकि जनरली 1.5 टन एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी होती है 205,000 वाट और यहाँ पे आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है 4700 वाट। दोस्तों, आईएफबी का ये 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर 172-180 स्क्वायर फीट एरिया के लिए सफिशियंट है, यानी ये 180 स्क्वायर फीट तक का एरिया इजीली कवर कर लेगा। अगर उससे बड़ा एरिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इससे बड़ा एयर कंडीशनर लगाइए, जैसे कि 1.8 टन या फिर 2 टन का एसी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आईएफबी एयर कंडीशनर की टेक्नोलॉजी एंड फीचर के बारे में। दोस्तों आईएफबी का ये एक एयर कंडीशनर एक इन्वर्टर एसी है। आईएफबी के इस इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर देखने को मिलेगा उसका नाम है हैवी ड्यूटी कंप्रेसर, यानी आईएफबी ब्रांड ने उसको कहा है कि ये हमारा एक हैवी ड्यूटी कंप्रेसर है। आईएफबी का ये कंप्रेसर अगर 58 डिग्री टेम्परेचर पे जाता है बाहर का, यानी जहां आपने ये एयर कंडीशनर रखा है वहां का टेम्परेचर 58 डिग्री भी जाता है, तो ऐसे में आईएफबी का एयर कंडीशनर फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है। इस कंप्रेसर में दोस्तों आपको ड्यूल रेटर्स देखने को मिलते हैं, जिससे नॉइसेबल वाइब्रेशन कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग काफी अच्छी होती है। दोस्तों, आईएफबी के इस इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो इंडोर और आउटडोर है उसकी जो कॉइल यूज की गई है वो कॉपर्स वाली यूज की है, यानी 100% कॉपर है। तो एयर कंडीशनर के अंदर अगर कॉपर कॉइल होती है तो एसी के लिए सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ आईएफबी ने अपने इंडोर और आउटडोर में दोनों कॉपर यूज किया है। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कॉपर की कॉइल तो है लेकिन इनर ग्रू दिया हुआ है। इनर ग्रू का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, ग्रू लाइनिंग का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, गैस का सर्कुलेशन होता है या गैस का फ्लो होता है बहुत अच्छा होता है, जिससे कूलिंग एफिशिएंसी अच्छी मेंटेन रहती है। तो आईएफबी के इस एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर और इनर ग्रू मिल रहा है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आईएफबी के इस एयर कंडीशनर में मेंटेनेंस से बचने के लिए आपको कुछ एंटी क्रोजन कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आईएफबी एयर कंडीशनर को मेंटेनेंस से, सड़न से, लीकेजिंग से बचाती है। आईएफबी एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में आपको देखने को मिलेगी गोल्ड फिन्स की एंटी क्रोजन कोटिंग, जो कि आउटडोर यूनिट की जो कंडेंसर कॉइल होती है उसको सड़ने गलने से बचाती है, जिससे आईएफबी की जो आउटडोर कॉइल होती है वो खराब नहीं होती है, यानी इसमें आपको एक एंटी क्रोजन कोटिंग भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, आईएफबी के जो इंडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट की जो एपरेटर कॉइल होती है उससे भी एक एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है, जिसका नाम है नैनोटेक। नैनोटेक दोस्तों एक ग्रीन कलर की कोटिंग है, जो कि आईएफबी के इंडोर यूनिट के जितने भी यू बैंड्स होते हैं उस पर की गई है, ताकि वहां से लीकेजिंग का इश्यू ना आए। नॉर्मली एसी में दोस्तों जितने भी यू बैंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं और मैक्सिमम लीकेजिंग के चांसेस वहीं से होते हैं। तो आईएफबी के ऐसे में आईएफबी के इंडोर यूनिट पे दोस्तों नैनोटेक की ये एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है, जो कि आईएफबी एसी की कॉइल्स को, यानी आईएफबी एसी को मेंटेनेंस से बचाती है। दोस्तों, आईएफबी के एयर कंडीशनर 18-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ में आते हो, फ्लैक्सी मोड। दोस्तों, इसका नाम है फ्लैक्सी मोड, यानी इस फ्लैक्सी मोड में आप एसी के टनेज को कम कर सकते हो, वो भी परसेंटेज में। जब आप एसी के टनेज को कम करते हो तो पावर कंजप्शन भी कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक मोड और आता है जिसमें दोस्तों आप एसी के टनेज को बढ़ा सकते हो 15%, यानी 100% की जगह पे आपका एयर कंडीशनर 115% पे चलेगा। उससे आपको क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में फंक्शन है, लोग ज़्यादा है, तो ऐसे में जब लोग ज़्यादा होते हैं घर में तो कूलिंग कम लगती है, तो आप ऐसे में आईएफबी के एयर कंडीशनर को 15% कैपेसिटी और इंक्रीज कर सकते हो। यानी दोस्तों, आप अपने यूजेस एंड कन्वीनियंस के हिसाब से टनेज को कम कर सकते हो या फिर टनेज को बढ़ा सकते हो। टनेज कम करोगे तो पावर सेविंग ज़्यादा होगी, टनेज को इंक्रीज करोगे तो पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा और कूलिंग आपको अच्छी मिलेगी। दोस्तों, आईएफबी के इस एयर कंडीशनर में आपको एआई वाला फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, आपके रूम के हिसाब से आपके रूम के अंदर कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, रूम के अंदर का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ों को चेक करके आपको एक कम्फर्ट कूलिंग देता है आईएफबी का ये एआई मोड।
जैसे कि एक्टिंग कार्बन फिल्टर, एयर फिल्टर, डस्ट फिल्टर, पीएम 0.3 माइक्रोन फिल्टर, ये दोस्तों ये कुछ चार एयर प्योरीफिकेशन वाले फिल्टर है जो आपके रूम के अंदर बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल, धूल, मिट्टी है, ये सारी चीज़ों को रिमूव करके और आपको एयर प्योरीफिकेशन करता है। यानी आईएफबी का ये एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ दोस्तों एयर प्योरीफिकेशन का भी काम करता है। दोस्तों आईएफबी का ये 1.5 टन का एयर कंडीशनर दोस्तों फोर वे स्विंग के साथ में आ रहा है। दोस्तों मैक्सिमम ब्रांड में जो कूलिंग फ्लो होता है अप एंड डाउन ही होता है या टू वे, आईएफबी के इस 1.5 टन 5 स्टार वाले एयर कंडीशनर के मॉडल में आपको फोर वे स्विंग देखने को मिल जाती है, यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इस फोर वे स्विंग का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जब हम फोर वे स्विंग को एक्टिवेट करते हैं तो एसी का जो फ्लो है काफी अच्छी तरीके से सर्कुलेशन होता है और आपके रूम में एक इवन यूनिफॉर्म कूलिंग मेंटेन करके देता है फोर वे स्विंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईबी एयर कंडीशनर के पीसीबी के बारे में, यानी सर्किट बोर्ड के। तो दोस्तों आईबी के इस मॉडल के अंदर आपको आईबी का एयर कूलेट पीसीबी देखने को मिल जाता है। यानी एयर कूलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों हमारा आउटडोर यूनिट बाहर रखा रहता है, जब ओवर हीटिंग होती है ना तो मदरबोर्ड सर्किट खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या ट्रिप होता रहता है बार बार। ऐसे में आईबी के इस एयर कंडीशनर में आपको एयर कूलेट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे क्या होता है दोस्तों पीसीबी ठंडा होता रहता है और पीसीबी पे कोई ओवरलोड ओवर हीटिंग का इशू नहीं आता है, जिससे पीसीबी खराब नहीं होता है ना कि ट्रिप और ना ही ट्रिप करता है। तो ये एडवांटेज आपको आईएफबी एयर कंडीशनर में देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं वारंटी के बारे में, यानी आईएफबी के इस 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या वारंटी देखने को मिल रही है। दोस्तों आईएफबी का जो एयर कंडीशनर है इसके कॉम्प्रेसर पर मिलती है, इन्वर्टर कॉम्प्रेसर पर आपको दोस्तों 10 साल की वारंटी, और आईएफबी का जो एयर कंडीशनर का जो पीसीबी है एयर कूलेट पीसीबी उससे मिलती है दोस्तों आपको 5 साल की वारंटी। और आईएफबी के इस एयर कंडीशनर में कभी भी कोई खराबी आती है, कोई भी इशू आता है, उसके लिए मिलती है आपको टेक्निकली 1 ईयर की वारंटी। 10 साल कंप्रेसर की वारंटी मिल रही दोस्तों, 5 ईयर पीसीबी की वारंटी मिल रही और 1 ईयर कंप्लीट वारंटी के साथ में आ रहा है। दोस्तों आईएफबी के इस एयर कंडीशनर में प्रोन्स एंड कॉन्स की बात करो तो पहले बात करते हैं प्रोन्स। तो आईएफबी में इस एसी में ये प्रोन्स ये है कि इस एसी की प्रोडक्ट क्वालिटी काफी अच्छी है। एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है जिससे एसी के अंदर दोस्तों मैंगनीज बसता है, 100% कॉपर के साथ में आ रहा है। यानी ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी में काफी अच्छा है। कौन सी बात करूँ तो इस एसी के अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी है थोड़ी कम है, 4700 वाट। दूसरा दोस्तों आईएफबी एसी की सर्विसिंग दोस्तों उतनी अच्छी नहीं है जितनी अदर ब्रांड की मिल जाती है आपको। जैसे कि मेट्रो सिटी की बात करेंगे तो मेट्रो सिटी में आपको आईएफबी एसी की सर्विसिंग इजीली मिल जाएगी, अगर आप किसी गांव साइड में रहते हो तो आईएफबी एसी की सर्विसिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों जितने भी 1.5 टन 5 स्टार के बेस्ट एयर कंडीशनर है और 1 टन के बेस्ट एयर कंडीशनर है, सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या फिर प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वारी है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम लोगों को उससे रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।